दोस्तों, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बांग्लादेश वुमेन्स वर्सेस मलेशिया वुमेन्स के बीच जो होने वाला है आज का दिन का पहला मैच वुमेन्स एशिया कप का। दोस्तों, इंडिया दोनों ही टीम के बारे में कवर करेंगे। देखो, स्लाइड में आपको वीडियो या फिर एक लंबा दोस्तों वीडियो नहीं मिलेगा, एक टू दी पॉइंट एनालिसिस वाला वीडियो मिलेगा जहाँ पर आफ्टर टॉस क्या डिसीजन लोगे, कैप विसी किनको बनाओगे। देखो, बांग्लादेश वुमेन एक स्ट्रॉन्गर टीम है, बट मलेशिया वुमेन ने अगर बॉलिंग फर्स्ट किया ना तो ये कुछ विकेट लेंगे बांग्लादेश वुमेन्स का, तब थोड़ा सा टीम अलग बनाना है। अगर बांग्लादेश वुमेन चेस करता है तो थोड़ा अलग, तो वो कौन से प्लेयर हमारे लिए मस्ट है, कौन से डिफरेंशियल है, अगर आप वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, पसंद आए तो लाइक करना। अगले मैचेस के कवरेज अपडेट्स और डेमो टीम के लिए जुड़ सकते हो टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। चलो एनालिसिस करते हैं बांग्लादेश वर्सेस मलेशिया। पिच स्टैट्स, रंगिरी डम्बुला स्टेडियम पे होगा मैच, जहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे एवरेज स्कोर 120-130। ये वेन्यू में रन थोड़े से कमी बने हैं और दोनों टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो बांग्लादेश वुमेन अगर बैटिंग फर्स्ट करते समहाउ 140 के आसपास रन शायद बना लेंगे या फिर 150 मैक्सिमम, क्योंकि मुर्शिदा खातून ऐड हो चुके हैं। बट मलेशिया वुमेन बैट फर्स्ट, तो ये 100-110 के आसपास ही रन बनाने वाले। सीरीज़ में अब तक दोस्तों हो चुके 9 मैचेस, 3 बैट फर्स्ट, 6 बैट सेकंड ने विन किया। बांग्लादेश वुमेन विन लॉस, ठीक है। दिलारी अख्तर ओपन करेंगे, मुर्शिदा खातून, इस्मा तंजीम, रितु मुनी, रुमाना अहमद होगा बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से दिलारी अख्तर लास्ट मैच में रन आउट हुए थे दोस्तों, ये अच्छे टच में दिख रहे थे। इवन इंडिया के खिलाफ भी एक आधा नॉक इन्होंने ठीक ठाक खेला। अच्छी डिफेंशियल है, अगर चेस करता है ना ये टीम, मतलब बांग्लादेश वुमेन, तो दोस्तों इनको ट्राई करो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तब ना आपको मलेशिया वुमेन के एक्स्ट्रा बॉलर नहीं लेना पड़ेगा, बांग्लादेश वुमेन के मिडल ऑर्डर के बैटर्स को नहीं लेना पड़ेगा। बट अगर बांग्लादेश वुमेन बैटिंग फर्स्ट कर लेते हैं तो मलेशिया से हमें बॉलर भी ट्राई करना है, बांग्लादेश के मिडल ऑर्डर, तब इनको हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। ले तो सकते हैं ग्रैंड लीग में, बट स्मॉल लीग में रिस्क हो जाएगा। मुर्शिदा खातून इंपॉर्टेंट है और इस टीम का सबसे बेहतरीन प्लेयर, इस मैच का भी बेहतरीन प्लेयर है, बैटर और कैप भी से बना सकते हो भाई। दोस्तों इनको ज़रूर चाहिए, ये अभी सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रही है मुर्शिदा। 146 का नॉक है T20 में, बाकी में अच्छा नहीं है। बट आप सवाल करोगे भाई इसका तो रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है, 20 का T20 का एवरेज, बट इन्होंने जो टीम्स के अगेंस्ट खेला है दोस्तों ठीक ठाक क्रिकेट खेला है, इसके एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। लास्ट मैच में भी मैंने बताया था, इस्मा तंजीम मैं फिलहाल इनको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मस्ट बी प्लेयर नहीं रहेंगे दोस्तों, रोटेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। रितु मुनी 2 ओवर में 2 विकेट और 1 मैच में 3 रन बनाया, प्लेयर ठीक ठाक है, यूज़ कर सकते हो, बट इनका ना ओवर का कोई गारंटी होता नहीं है, ये एक पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। इनका ओवर का कोई गारंटी नहीं है, कभी ओवर कंप्लीट करते हैं, कभी ओवर कंप्लीट नहीं करते, थोड़े से दोस्तों फंसा हुआ प्लेयर है। बट अभी हम लोग ओपोनेंट देखते हो दोस्तों, ट्राई कर सकते हो, और स्पेशली अगर बैट फर्स्ट होता है ज़्यादा चांस है कि बैटिंग से वैल्यू देंगे, तब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रेफरेबल पिक रहेंगी रितु मुनी। रुमाना अहमद 3 ओवर में विकेटलेस 5 रन, T20 में 84 मैच 75 विकेट, 255 ओवर, 854 रन, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए। और देखो लास्ट मैच में चला नहीं है, बट ये अगर बैट फर्स्ट होता है ना, बैटिंग से एक कैमियो 20-30 का, बॉलिंग से एक आधा विकेट, बहुत बढ़िया डिफेंशियल कैप्टन है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट, ठीक है। निगर सुल्ताना दोस्तों स्पेशली बैट फर्स्ट बहुत तगड़ी चॉइस है, बहुत तगड़ी। इवन दोस्तों फील्ड फर्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो टीम में, विकी में तो बेस्ट प्लेयर है दोनों टीम मिला के, बट अगर चेजिंग में बैटिंग नहीं आया एक पॉइंट रहेंगे, बट ओवरऑल क्वालिटी वाइज अच्छी प्लेयर है, बैक करना है तो कर सकते हो। रबिया खान 4 ओवर में 4 विकेट, 3 ओवर में विकेटलेस और 10 रन, इंपॉर्टेंट चॉइस है दोस्तों, बहुत बढ़िया फॉर्म में भी दिख रहा है, कैप भी सी बना सकते हो दोस्तों, विकेट टेकिंग ऑप्शन, लेग ब्रेक बॉलर। शौना अख्तर लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं डाला, ये एक प्रॉब्लम रहेंगे दोस्तों। रितु मुनी ने बॉल डाल गया, यहाँ पे हो सकता है इस मैच में रितु मुनी ज़्यादा बॉल ना डाले और शौना विकेट ले जाए, ये एक पॉइंट रहेगा। नहीं दखता 4 ओवर में विकेटलेस, 4 ओवर में 3 विकेट, इंपॉर्टेंट चॉइस है दोस्तों, बढ़िया ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 1 मैच में 3 विकेट निकाला, लास्ट मैच में विकेटलेस थे, बट यार किफायती बॉल मेडन और रनआउट से आपको वैल्यू प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों नवीदा अख्तर ने। मरूफा अख्तर ले सकते हो, ओपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट दोनों मैच में विकेटलेस और वीकर ओपोनेंट के अगेंस्ट भी, जहाँ पे सबको विकेट मिल रहा था, रबिया को 4-4 विकेट मिला, एक भी विकेट नहीं मिला मरूफा अख्तर को। सबिकुन ने डेथ ओवर में जाके 2 विकेट निकाले थे, ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट बॉल फर्स्ट। ओपनिंग बॉलिंग मरूफा, नहीदा, जस्मिन, डेथ में दोस्तों उस तो मरूफा, नहीदा और जस्मिन करते हुए दिखेंगी। ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, मरूफा 1-5-20, 1-3-5-18, एक ओवर दोस्तों पीछे डाल दिए और वो बहुत वाइटल ओवर होगा, वहाँ पे अगर ओपोनेंट सही में अटैक करने का कोशिश किया तो विकेट मिल सकता है इनको।
नहीं तो अख्तर 12-19 डाला, 14-17 इम्पोर्टेंट चॉइस है दोस्तों, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। जसमीन ने 16-18 नंबर वाला ओवर डाला, इम्पोर्टेंट, ये भी प्लेयर है। देखो ये टीम स्ट्रॉन्गर है तो इनके एक्स्ट्रा बॉलर आपको ट्राई करना ही है समाओ। अगर बॉल फर्स्ट करता है तो सब बॉलर ट्राई करेंगे, अगर बैट फर्स्ट करता है तब थोड़े से देख के लेना पड़ेगा। रेबिया खान 7-9-14-17, 7-10-15 वेरी डिसेंट चॉइस। रुमान अहमेद 8-10-15, 11-13। और ऋतु मुनी का कुछ गारंटी नहीं है कितना ओवर डालती है। शॉन्टना ने लास्ट मैच में ओवर नहीं डाला, अगर शॉन्टना ने ओवर डाला तो इनका कट हो सकता है। रुबैया हैदर 0 बनाया, सुल्ताना खातून 3 ओवर विकेटलेस T20 में, और 12 मैच 36 ओवर 10 विकेट, बहुत बढ़िया प्लेयर रहेंगी सुल्ताना अगर खेलती है तो। शरीफा 2 ओवर में विकेटलेस, जहानर आलम 78 मैच 236 ओवर 57 विकेट है। यहाँ पे ओपोनेंट की तरफ आते हैं मलेशिया में, उससे पहले लाइक नहीं किया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करना, और ज्वाइन हो जाना है आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। तो मलेशिया ओमेन से अगर हम लोग देखते हैं तो इनसे वेन जूलिया ओपन करेंगी विनफ्रिड दुरेसिंगम के साथ, वन डाउन आने वाली है एल्सा हंटर, महिरा इज़ाती इस्माइल, आइना हमीजा, और होने वाला है दुसाइना नजवा, होगा कुछ बैटिंग ऑर्डर। देखो टीम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, डिपेंड्स ऑन बहुत कुछ, बॉलिंग फर्स्ट या बॉलिंग सेकेंड। और देखो जैसे कि वेन जूलिया ठीक ठाक प्लेयर है, 52 रन बनाया एक मैच में, बट अगर बांग्लादेश वुमेन का बैट फर्स्ट होता है ना तो निगर सुल्ताना आपको बैटिंग से बहुत सारे वैल्यू दे सकती है, उस कंडीशन में निगर सुल्ताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। विनफ्रिड अगर देखोगे 4 ओवर में 2 विकेट, 4 ओवर में 1 विकेट, 22 रन, बहुत ज़रूरी चॉइस है, इन एनी कंडीशन मस्ट बी प्लेयर होना चाहिए, कैप भी सी बना सकते हो विनफ्रिड दुरेसिंगम को। वेन जूलिया ठीक ठाक चॉइस ये भी है, बट मेरा मानना है निगर सुल्ताना बेटर है अगर बांग्लादेश वुमेन बैट फर्स्ट करती है। विनफ्रिड बोथ कंडीशन टीम में रखेंगे, बॉल फर्स्ट कैप भी सी बना सकते हो, बॉल सेकंड जस्ट एज अ प्लेयर लेना। एल्सा हंटर फिलहाल मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मेरे पास मुर्शिदा खातून है प्योर बैटर, और अगर नहीं खेलती है तो यूज़ करना, प्लेयर ठीक ठाक है। महिरा इज़ाती इस्माइल बॉल फर्स्ट ज़रूरी है, बॉल सेकंड रोटेशन कर सकते हो। आइना हसीम 3 ओवर 0 के 3 में 0, और इनसे बेटर ऑप्शन रहेंगी दोस्तों, कौन पता है, यहाँ पे तो इग्नोर करते हैं आइना नजवा, डी मोनन, ये आइसा एलिसा, ये डेथ में बॉलिंग कर रही है, लास्ट मैच में बहुत पिटाई हुआ बट चमारी अट्टापुट्टू ने खेल दिया। चुमारे 82 जैसे प्लेयर नहीं है बांग्लादेश के पास, तो बांग्लादेश अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो विकेट लॉस कर सकते हैं आयशा एलिसा के सामने, स्पेशली डेथ ओवर्स में, अगर फिर से डेथ करती है तो, लास्ट मैच में बहुत पिटाई हुआ। मणिवर्णन 4 ओवर 1 विकेट, 2 ओवर में 1 विकेट, नूर इज़ाती सियाफी का 0, अमालीन सोरफीना इग्नोर ही करना। ओपनिंग बॉलिंग हशीम स्वाबिका और विनफ्रिड, दोस्तों डेथ में एलिसा, विनफ्रिड और हशीम, ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन में देख सकते हो, विनफ्रिड बहुत ज़रूरी है, स्वाबिका फिर हशीम, एम स्माइल ज़रूरी है, विनफ्रिड ज़रूरी है इन एनी कंडीशन। बॉल फर्स्ट हो तो एलिसा को ट्राई करना, बाकी सब प्लेयर दोस्तों आपके हिसाब से रोटेशन कर सकते हो। ये कुछ बेंच में प्लेयर बैठे हुए, मास एलिसा बहुत अच्छे प्लेयर है, मोस्ट प्रॉब्ली इनका इंजरी होगा, नहीं खेल पा रही है, ठीक है। हेड टू हेड हुआ था 2022 में, बांग्लादेश बैट फर्स्ट किया, ज़्यादा रन नहीं बना पाया, 129/5, बट वो सिलेट में था, सिलेट का पिच और भी ज़्यादा डेंजरस होता है बैटर्स के लिए, ठीक है। देखो 41 में मलेशिया ऑल आउट हो गया उस मैच में, 56 मुर्शिदा खातून, 53 निगर सुल्ताना, दोनों बैट फर्स्ट आया था बांग्लादेश का। फारिया तृष्णा 3 विकेट, फहीमा, संजीदा अख्तर, रुमाना अहमद 2 विकेट ईच, और सलमा को 1 विकेट मिला। मलेशिया ऑल आउट हो गए थे दोस्तों, 10 विकेट गिर गया था सिर्फ 41 में, तो वहीं पे मलेशिया अगर बैट फर्स्ट करता है ना इस मैच में, थोड़ा पिच बेटर है तो 80-90 रन शायद बना लेंगी। यहाँ पे एल्सा हंटर, नूर अरियाना नासिया, आइना हशीम, बेस्ट बॉलर शशा आजमी, महिरा इज़ाती इस्माइल, विनफ्रिड दुरेसिंगम 1 विकेट ईच। बॉल फर्स्ट कर रहे थे इज़ाती इस्माइल, दुरेसिंगम दोनों को विकेट मिला। उससे पहले 2022 में कुआलालंपुर में मलेशिया जब बैट फर्स्ट का 49, 9 विकेट गिर गया 20 ओवर में, 12 विनफ्रिड, मास एलिसा 11, बेस्ट बॉलर नूर अरियाना नासिया 2 विकेट। बांग्लादेश वुमेन 53 रन चेस कर गया इजिली, और शमीम सुल्ताना 28, मुर्शिदा 14, आजमीन और रुमाना अहमद 2 विकेट ईच बांग्लादेश वुमेन से, और सलमा खातून, नहीदा अख्तर, ऋतुमनी 1 विकेट ईच। अब चलते हैं हम लोग फटाफट से ड्रीम 11 टीम में, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करना, और ज्वाइन होना है आपको टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल का। फिलहाल दोस्तों जो मेरा टीम बन रहा है इस मैच में, मैं निगर को रख रहा हूँ, स्पेशली बांग्लादेश वुमेन बैट फर्स्ट बहुत सेफ है, यहाँ से मुर्शिदा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऋतुमनी को ओवर का कोई गारंटी नहीं है, मैंने फिलहाल रख लिया, बट हर मैच में 2 ओवर में 2 विकेट पॉसिबल नहीं होता। दुरेसिंगम हमारे पास रहेंगे दोस्तों ज़रूर से, यहाँ से महिरा इज़ाती इस्माइल, एस अख्तर फिलहाल मैं नहीं लूँगा, यहाँ से आयशा एलिसा को यूज़ कर सकते हो स्पेशली बॉल फर्स्ट। रुमाना हमें ज़रूरी चॉइस है बांग्लादेश वुमेन से, नहीदा अख्तर मस्ट बी प्लेयर है, मारूफा नहीं छोड़ सकते हो, रबिया खान को लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा यहाँ से
कहाँ गया ये एस नाहर जसमीन बांग्लादेश वुमेंस है। अब एक ऑप्शन है हमारे पास, तो दोस्तों यहाँ पे ना ये प्लेयर डिफेंशियल रह सकती है मणिवर्णन, दोनों मैच में अच्छा बॉलिंग डाला, या फिर आयशा अलीसा। अगर बॉल फर्स्ट करता है तो आयशा अलीसा ही सही चॉइस होगा, और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, यही लेना है। यहाँ पे अगर बांग्लादेश वुमेन ने बैटिंग फील्डिंग फर्स्ट ले लिया, वैसे में दोस्तों ये जो है ना दिलारी कहाँ गया ये विकी सेक्शन में, ये बहुत बढ़िया डिफेंशियल हो जाएंगी बैटिंग से, ठीक है, अगर बांग्लादेश वुमेन ने फर्स्ट इनिंग्स में फील्डिंग ले लिया तो। फिलहाल ये रहेगा टीम, और इस मैच में जो मेरा कैप वीसी बन रहे इस मैच में रबिया बन रहे और नहीदा, या फिर ये कैप वीसी ऑप्शन या फिर ये वाला कैप वीसी ऑप्शन के साथ जा सकते हो इस मैच में। फिलहाल ये रहेगा कवरेज, चलो मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू दोस्तों।